ये घटना 5 साल पहले हुई थी। उस टाइम मैं 11 साल का था। एक दिन अर्ली मॉर्निंग मैं अपने लॉन में अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। मैं रोज स्कूल जाने से पहले अपने भाई के साथ थोड़ी देर बास्केटबॉल खेला करता था। हमारा लॉन सड़क के किनारे ही था और हमारे लॉन की दीवारें बहुत नीचे थी। सड़क पर चलने वाले इंसान को हम आसानी से देख सकते थे। उस दिन जब हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, तब हमने 2 अजनबियों को देखा। मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं अपने भाई को लेकर घर के अंदर आ गया। मैंने उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरा भाई घर के अंदर की खिड़की से बाहर झांक कर देख रहा था कि वो दोनों हमारे लॉन की दीवार कूदकर हमारे लॉन में आ गए थे। हम जल्दी से अपनी मॉम के पास गए और उन्हें बताया। हमारी बात सुनकर मेरी मॉम बाहर आई तो उन्होंने 2 अजनबियों को हमारे लॉन में देखा। मेरी मॉम गुस्सा हुई। उसके बाद मेरी माँ ने पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें इग्नोर करके वहीं खड़े थे। उसके बाद उनमें से एक आदमी चलता हुआ हमारे लॉन के शेड में आ गया और वहां से घास काटने वाली मशीन उठाकर बाहर ले आया। मेरी छोटी बहन ने मोबाइल से उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। मेरी मॉम अभी भी पुलिस को कॉल मिला रही थी और वो आदमी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उसका दूसरा साथी उसे मना करता हुआ बोला, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन वो अभी भी चुपचाप खड़ा हुआ था और घास काटने वाली मशीन को लेकर बीच लॉन में आ गया। 2 अजनबी हमारे लॉन में आते हैं, हमें इग्नोर करके हमारे शेड में जाकर हमारी घास काटने वाली मशीन लाते हैं और उसे ऑन कर देते हैं। मतलब क्या था इसका, कुछ समझ नहीं आया। तभी उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले और उसने घास काटने वाली मशीन को उल्टा कर दिया और उसके सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसकी इस हरकत से हमारा कंफ्यूजन डर में बदल चुका था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। अचानक वो जमीन पर बैठ गया और अपने सर को घास काटने वाली मशीन में डाल दिया और उसकी गर्दन कट गई और वो वहीं मर गया। मेरी माँ डर से चीख पड़ी। उसका फोन नीचे गिर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैंने क्या देखा। उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था, लेकिन अपने दोनों छोटे भाई बहनों से ज्यादा स्ट्रांग था। तब तक वहां पुलिस आ गई और हमसे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। ये सारी घटना हमारी आंखों के सामने हुई। मेरी माँ ने उन्हें वो वीडियो दिखाई जो मेरी बहन ने रिकॉर्ड किया था और पुलिस वाले सारी बात समझ गए। मुझे उस दूसरे आदमी के लिए बुरा लग रहा था जिसे पुलिस ले जा रही थी। जब ये सब हादसा हुआ, तब वो अपने साथी के लिए जोर जोर से चीख रहा था, उसकी मदद करने के लिए कह रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं उस दिन स्कूल नहीं जा पाया और ना ही सो पाया। मैं यही उम्मीद करता हूं कि मुझे दोबारा कभी ऐसी कोई चीज ना दिखे। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि हमारी जो घास काटने की मशीन कभी जल्दी ऑन नहीं होती थी, वो उस आदमी के एक बार ऑन करने से कैसे ऑन हो गई। मुझे वहां कुछ ठीक नहीं लगा। सब कुछ अजीब था उस दिन।